नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जिग्नेश हर्षद राय परमार के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सबका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है फिशर, डिस्कशन का टॉपिक है वो फिशर। आज हम आपको फिशर के बारे में जानकारी देंगे, फिशर क्या है, कैसे होता है और उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए ताकि आपको फिशर के बारे में जो छोटी से छोटी चीज़ है उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि फिशर क्या है। फिशर माने जो गुदा का जो भाग होता है, यानी एनस का जो भाग होता है, उस जगह पे छोटे छोटे या बड़े दो में से कुछ भी ऐसे चीरे जैसे हो जाते हैं, कट्स बन जाते हैं, तो उसे फिशर कहा जाता है। वो कहीं भी हो सकता है, यानी जो गुदा का भाग है, एनल जो रिंग होती है, तो उसके चारों तरफ से में कोई भी तरफ ये हो सकता है। और उससे क्या होगा कि आपको जब ये कट्स बन जाते हैं तो उसके अंदर से कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है और बहुत बहुत दर्द होता है उसमें। तो फिशर ये है बेसिकली। दोस्तों, फिशर क्या है वो तो आपको पता चल गया होगा, अब फिशर के लक्षण क्या है वो आपको बता दें। तो जनरली फिशर में दो चीज़ें होती है, एक तो सीवियर पेन होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, और जो दर्द होता है वो इतना यानी टेरिबल होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे सहन नहीं कर पाता है। और दोस्तों, कभी कभी जैसे फिशर यानी चीरे जो बहुत मोटे हो जाते हैं, थोड़े से भी ज़्यादा मोटे हो, तो उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगता है, यानी खून निकलने लगता है। तो वो जो चीज़ होती है वो और भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है, क्योंकि जब भी आपको खून थोड़ा सा भी निकलता है तो उससे दो तरह से टेंशन होता है। एक तो कि खून निकलता हुआ आप देखते हैं तो आपको डर लगता है कि मेरा खून कम हो जाएगा और मुझे कुछ भी नुकसान हो सकता है, और दूसरा दोस्तों, हकीकत में खून कम होने से आपको कमजोरी भी आ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा जो खून बह जाए उसमें से तो आपको कमजोरी भी आ सकती है। तो ये दोस्तों मेन चीज़ होती है। तो फिशर के लक्षण के बारे में भी आपको पता चला। अब दोस्तों, आपको बताया जाएगा कि फिशर होता कैसे है, उसका मूल कारण क्या है। दोस्तों, जनरली जो है फिशर होने का एक मुख्य कारण जो है वो ये है कि अगर आपको कब्ज रहता हो, यानी कब्ज माने कॉन्स्टिपेशन, कि अगर आपका पेट खुला से साफ ना होता हो और आपको संडास जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करनी पड़ती हो, जोर लगा के उसे स्टूल को पास करना पड़ता हो, तो उसमें क्या होगा कि जोर लगाने की वजह से आपकी जो एनल रिंग है, माने गुदा का जो भाग है, उसको बहुत ही ज़्यादा डायलेट होना पड़ता है। तो वो इतना, जैसे इतनी आपकी रिंग है तो वो डायलेट होकर बहुत डबल से भी ज़्यादा डायलेट हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि उसकी जो इलास्टिसिटी है, जैसे एक इलास्टिक होता है जो आप कोई भी कपड़ा पहनते हैं वो इलास्टिक वाला, तो समय रहते वो धीरे धीरे करके ढीला हो जाता है, उसी तरीके से जो आपकी एनल रिंग है उसमें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है और हमेशा आपको स्टूल पास करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता हो, तो वो जोर लगाने की वजह से वो रिंग बार बार फूलेगी सिकुड़ेगी, तो उस वजह से उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगी और कंटिन्यूस वो खिंचाव की वजह से जो चमड़ी है थोड़ी थोड़ी फटने लगती है दोस्तों। तो जैसे ही वो चमड़ी फटती है उस पर चीरे बन जाते हैं, और बार बार अगर ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्ज जो है, वो लंबे समय तक अगर चलता है, तो उस वजह से क्या होगा कि वो चीरे जो है वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद में उसमें से ब्लीडिंग यानी ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, यही एक मेन कारण रहता है। दूसरे जो कारण हो सकते हैं फिशर के, जैसे वो कट हो गया कोई किसी चोट के द्वारा, कभी आपको कोई चोट आ जाती है, वहाँ पे चोट आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर अगर कभी आप कोई और पोजीशन में गिर जाते हो और वो भी गिरने में कोई शार्प चीज़ होती है उसके ऊपर अगर आप गिरते हो तो वो रियल में कट बन जाता है वहाँ पे, और उस तरह से वहाँ फिशर डेवलप होता है, तो एक सर्जिकल फिशर कहा जा सकता है। तो ये भी एक अलग से कारण है फिशर का। दूसरे काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कई लोगों की स्किन जो है, चमड़ी, वो ड्राई होने की टेंडेंसी होती है, यानी उनकी चमड़ी बहुत ही सूखी रहती है। तो दोस्तों, सूखी चमड़ी होने की वजह से क्या होता है कि ठंडी के मौसम में
वो चमड़ी और भी ज्यादा सूख जाती है, और फिर सूखी जब चमड़ी होती है और ऊपर का लेयर उसका पूरा एकदम ड्राई होता है, आप थोड़ा सा भी जोर करोगे तो वो चमड़ी की जो इलास्टिसिटी है, कोई भी सूखी चमड़ी होती है उसकी इलास्टिसिटी टोटली खत्म हो जाती है। तो जब भी आप स्टूल के लिए थोड़ा सा भी जोर करोगे तो उस टाइम पे वो चमड़ी तुरंत फट जाएगी, और फटने से उसमें जो चीरे बन जाएंगे और वहां से ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि सूखी चमड़ी होना। तो ये जो चीज है उसकी वजह से क्या फिर लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं और वो अपनी बीमारी से उभर नहीं पाते, और ये चीज ऐसी होती है कि ना वो कह सकते हैं किसी को और ना सह सकते हैं। वो बैठने में भी दिक्कत होती है क्योंकि नीचे का भाग होता है उसके ऊपर थोड़ा सा भी वजन आता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो सही ढंग से बैठ भी नहीं पाते हैं। और जगह ऐसी है कि किसी को बताने में भी संकोच होता है, डॉक्टर को भी बताने में उनको दिक्कत होती है, और उस वजह से क्या होता है कि वो बताते नहीं है, लंबे समय तक वो थोड़ा सहन करते रहते हैं तो उतने में वो फिशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जब सहन नहीं होता तो उनको मजबूरी में डॉक्टर को मिलना पड़ता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है और उसको सही करने में भी काफी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों ये उसके लक्षण के बारे में बता दिया और उसमें कैसे होता है वो भी बता दिया गया है। अब जो है कि उसमें क्या करना चाहिए यानी किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है वो हम आपको बताएंगे। तो फिशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली और मेन चीज जो है वो ये है, मुख्य चीज जो है वो ये है कि आपको कभी भी संडास जाते टाइम जोर नहीं करना है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों। अगर आपको संडास नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं है, आप खड़े हो जाइए और आराम से आप घूमते रहिए, आप पानी ज्यादा पीजिए, देखिए थोड़े टाइम के बाद स्टूल सॉफ्ट होगा और अपने आप निकलने के चांसेस रहते हैं। अगर उसके बावजूद नहीं होता है तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं और उसके आधार पर आप दवाई ले सकते हैं जिससे आपका स्टूल सॉफ्ट निकले और आपको जोर जबरदस्ती करनी ना पड़े। तो दोस्तों इस तरीके से हो सकता है कि फिशर का एक जो कारण मुख्य होता है कि हार्ड स्टूल यानी जो कड़क स्टूल रहता है उसकी वजह से आपको जो फिशर होने के चांसेस है वो खत्म हो जाते हैं। अब जो दूसरा कारण आपको बताया गया था कि चमड़ी सूखी रहना, तो जो चमड़ी सूखी रहती है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि रात में सोने से पहले हर रोज घी लगा के सो जाना है। दोस्तों रात में क्यों कहा जाता है, रात में कहने का पर्पज यही है कि पूरी रात आपको कोई काम नहीं करना होता है, सिर्फ सो जाना होता है, और उस टाइम पे आप लगाओगे तो वो वहीं पे टिका रहेगा। दिन में अगर आप लगाओगे तो क्या होगा कि आप कहीं बैठोगे तो आपने जो कपड़े पहने हुए उसी के ऊपर वो पूरा घी चिपक जाएगा और आपको फिर कोई फायदा नहीं दिखेगा। तो रात में दोस्तों घी लगा के सोना है और कपड़े भी बहुत ही ढीले पहनने हैं ताकि वहां पर टच ना हो और वो लंबे समय तक टिका रहे। तो ये चीज रोज आपको करने से हफ्ता 10 दिन आप करेंगे तो उसके बाद आपको उसमें काफी रिलीफ मिल सकती है दोस्तों। तो ये दो चीजों से क्या होगा कि उसको आप फिशर को रोक सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, माने कोई भी जो रोग है उसको आप पहले से ही रोक दोगे तो वो आपको परेशान कभी कर नहीं सकता है। तो ये दो चीजों का खास ख्याल रखिएगा दोस्तों ताकि आप फिशर से आसानी से बच पाए और उसके कॉम्प्लिकेशन में आप जाने के काबिल ना, यानी उस तरह का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको हमने फिशर क्या है वो बता दिया, कैसे होता है वो भी बता दिया, और उसके लिए उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए वो भी बता दिया। दोस्तों होम्योपैथी इस फिशर के लिए बेस्ट दवाई है और उससे जड़ से वो खत्म हो जाता है। साथ में फिशर का जो मेन दूसरा कारण जैसे हमने बताया कि कब्ज रहता है तो वो कब्ज की भी होम्योपैथी में बेस्ट दवाई है। तो दोस्तों अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका कब्ज भी खत्म हो जाएगा और फिशर होने के भी चांसेस खत्म हो जाएंगे। और साथ-साथ दूसरा भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि कब्ज रहता है तो उसमें फिशर भी हो सकता है, फिस्टुला भी हो सकता है और मसे भी हो सकते हैं। फिस्टुला के बारे में तो दोस्तों आपको दूसरे वीडियो में हमने जानकारी दी है तो इसलिए इस वीडियो में उसके बारे में हम दूसरा कुछ बताएंगे नहीं, और वो फिस्टुला के जो रिलेटेड लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है तो उस लिंक पे आप क्लिक करके फिस्टुला के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पर अभी जो है हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन इसी पे रखते हैं, फिशर पे। तो अभी जो बताया उससे हमें लगता है कि आपको फिशर के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होंगी। अब हम जो हमने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया उसका एक छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं। तो दोस्तों छोटे से एक ब्रीफ में हम बता देते हैं कि फिस्टुला ये फिशर क्या है और उसका किस तरह से मैनेजमेंट होता है। तो फिशर क्या है, फिशर यानी वो कट होता है जो या ज्यादा संडास के टाइम पे जोर करने से होता है या फिर चमड़ी सूख जाती है तो उस वजह से वो फटने की वजह से हो सकता है।
फिर उसके लक्षण क्या है, तो लक्षण में बहुत ही ज्यादा दर्द होना और उसमें ब्लीडिंग भी हो सकता है कभी कभी, कभी तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग भी हो सकता है, और उसमें नीचे बैठने पर भी आपको बहुत शिकायत रहती है, कभी बैठने के काबिल भी ना रहो, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये उसके लक्षण, अब उससे बचना कैसे चाहिए वो भी बता देते हैं। तो बचने के लिए आपको क्या करना होगा, तो बचने के लिए आपको ये करना है कि आपको कब्ज को टोटली खत्म करना होगा कि कब्ज बिल्कुल भी ना रहे, और दूसरा कि रात में सोने से पहले हर रोज आपको घी लगा देना है, जो आपका संडास का जो भाग होता है, गुदा का भाग है, उसके ऊपर घी लगा के सो जाइए। तो दोस्तों इतना करने से मोस्टली आपको जो ये होने का प्रॉब्लम है, फिशर होने का प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएगा। दवाइयाँ दोस्तों उसमें होती है, होम्योपैथी में बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं, तो जो डॉक्टर को कंसल्ट करके आप दवाई ले सकते हैं, जिससे पूरा का पूरा जो ये फिस्टुला का और फिशर का जो मामला है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमें कॉन्टेक्ट करना चाहे तो हमारा नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है। नंबर हमारा है 9067145149। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमें कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब तुरंत ही जितना हो सके उतना जल्दी दे देंगे, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको फिशर के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी और आपको ये वीडियो भी बहुत ही पसंद आया होगा, और ये बहुत ही सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति को इसमें ना समझ पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो आप इसको अपने पास तक सीमित मत रखिएगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानकारी पा सके और इससे छुटकारा भी पा सके। तो दोस्तों आज तक अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।